हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनली जीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय इतिहास का चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति। आज हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं लूसेंट के अंतर्गत वो सभी डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैंने आपके लिए हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता इस पर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम वैदिक संस्कृति देखेंगे। इसका जो समय है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के समय को। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आयु के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है, वो कई झुंडों में रहते थे, संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे, ये सभी सही हैं, लेकिन नंबर डी जो है इसका वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो उन्हें जौ का ज्ञान था, गेहूं का था, चावल का था, लेकिन उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका अंग है सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? ये ऋग्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसका जो ए है इसमें सही क्रम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन से वेद हैं वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, उनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो ये थे मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो ये श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसमें जो गोधन होता है, गाय वगैरह गोधन, ये संपत्ति का प्रमुख रूप होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस में मिलता है ये? 10वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? प्रकृति का, वहाँ पर प्रकृति की उपासना की जाती थी वैदिक धर्म में। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? इंद्र देवता के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति से संबंधित, सुलभ सूत्र जो बुक है वो ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर ये मिलान करने के लिए दिया गया है, इस तरफ वेद है, इस तरफ यज्ञकर्ता दिया गया है, तो इसमें आंसर क्या होगा? ऋग्वेद का एक ही होगा, होता या होत्र होते थे, यजुर्वेद में अथर्वी होते थे, सामवेद में उद्गात्र होते थे, अथर्ववेद में ब्रह्मा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इन्हें क्योंकि वे वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें उलू कड़क है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ये जैमिकी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें जो नौवां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युग दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसमें कितनी दर दी गई है? 1/6, जो भू राजस्व होता था, भू कर, वो 1/6 था। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुई थी? धर्म शास्त्र के काल में। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, किस लिए है ये? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं वरुण इंद्र मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो भी अभिलेख मिले हैं उनमें 4 वैदिक देवता हैं। कौन कौन से? इंद्र वरुण मित्र और नासत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? ऋग्वेद में दिया गया है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित? जैमिकी ने किया था। प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे, निस्क से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को निस्क से जाना जाता था। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं होती हैं। उसके बाद आ जाता है ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, ये स्रोत एवं कर्मकांड पर आधारित है। सामवेद, सामवेद जो है वो संगीत में स्रोत है, और अथर्वेद वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी? नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे वो? कैकेयी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये होता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अब प्राचीन समय में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान में है, तो ये कुंभा नदी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, ये है दर्शन, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रश्न के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो ये जो भागवत है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? मीमांसा से। नेक्स्ट, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है, अथर्वेद औषधियों से संबंधित होता है, और ये जो ऋग्वेद है ये ईश्वर की महिमा से
पर इसमें ये जो साम वेद है संगीत से और यजुर्वेद बलिदान विधि से, तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नेक्स्ट चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ये संबंधित है चिकित्सा से। नेक्स्ट यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से चलता है, यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी, वैदिक युगीन जो सभा थी ये एक मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक युग में, गणतंत्र था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो इसमें सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, कहाँ हुई है, ये वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ये है लुहार या लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए का एक होगा आयुर्वेद ऋग्वेद, बी का बी होगा धनुर्वेद यजुर्वेद गंधर्व वेद सामवेद और अर्थशास्त्र अथर्ववेद, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन छह मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो कौन से मंडल है ये, दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो ये अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल दिए गए हैं, तो टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे आर्य, तो ये आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, तो यजुर्वेद गद्य रूप में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है हमें अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी, तो ये थी विदथ, विदथ थी ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो इसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो गोत्र व्यवस्था आई थी उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना ये कहलाता है अनुलोम, और प्रतिलोम क्या कहलाता है, उच्च वर्ग, आंसर क्या होगा यहाँ पर, उच्च वर्ग की नारी का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेना कहलाता है प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक युग में यव कहलाता था, क्या कहला कहा जाता था यव को, जव को यव कहा जाता था। नेक्स्ट व्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो व्रीह चावल के लिए, यव जव के लिए। अथर्व का अर्थ क्या होता है, अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सुमेलित करना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा ध्वनि शास्त्र कल्प सूत्र कर्मकांड निरुक्त भाषा शास्त्र और छंद छंद शास्त्र, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो इनमें से मनुस्मृति प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये दी आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण प्राचीनतम है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी, कुल व कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो कौन से देवता थे वो, इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिकवाद विवाद या अनुलंघी कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है ये? अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये है मैत्रायणी संहिता। इसमें नारी को सुरा और पासा के साथ तीन बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्टी फाइव का ए होगा मैत्रायणी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किस देवता को प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में? यहाँ पर इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पर यज्ञ राजसूय यज्ञ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 87 में ए का होगा एक याग सूग, राजा के सिंहासना रोहण से संबंधित यज्ञ होता था और अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेय यज्ञ सौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ, और ये अग्निस्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला ये यज्ञ। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। तो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इस तरफ उल्लिखित नाम है और यहाँ पर आधुनिक नाम है, तो ये नदी के नाम है। कौन सी नदी किससे संबंधित है? परुषणी नदी को अब आधुनिक नाम क्या है इसका? रावी है। और सतुश्री सतलज हो गई है। अस्किनी चिनाब है और ये बिपाशा ब्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है कुल संख्या? 16 संस्कार है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है ब्रह्म विवाह। ऑप्शन क्या होगा? यह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना, आर्स विवाह, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह, और ये प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है, तो ये गंधर्व विवाह होता था, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था, पैचास विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह होता था। तो इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में क्या शामिल नहीं है? मातृ ऋण, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, लेकिन मातृ का कोई ऋण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। इसका ऑप्शन क्या होगा? गेरु वर्णी मृत भांड ओसीपी संस्कृति। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, ये ऋग वैदिक काल से संबंधित, अब उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में पाया गया है? तो किस स्थान पर पाया गया है ये? भगवानपुर में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अखण्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था गाय के लिए, गाय का वध नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर ये ए का संग्रहित का कोषाध्यक्ष होते थे भाग दूध, ये कर संग्रह करता होता था, छत्री या छता पासे के खेल में, ये छत्री या छता प्रतिहारी राज प्रसाद का रक्षक होता था, और ये जो अक्षवाप है ये होता था पासे के खेल में राजा का सहायक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को
ऋतस्थ को कहा गया है, तो किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता होता था? तो कौन होता था? वरुण होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्रमों पगों में तीन लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कहा गया है विश्व को, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पोषण, ये विवाह का देवता होते थे, रुद्र पशुओं के देवता होते थे, ये दो जगत के पिता होते थे, और अदिति देवों की महान माता, देवों की महान माता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किया था। अश्वेत अवेस्था, अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी ऋग्वेद में आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये नहीं है। वे अश्वों रथों कांस का उपयोग करते थे, गौ से परिचित थे, ताम्र आधुनिक हल का उपयोग से परिचित थे, लेकिन वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो ये कुभा है और क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म रित भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना करता है। रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों की संरचना करता था। तो इसका ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो किसने लिया था? बी जी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने के लिए है, आधुनिक नाम वैदिक नदियां हैं ये। कुभा को अब कहाँ का क्या कहा जाता है? वे हमने ऊपर देखा काबुल है ये, कुभा को काबुल कहा जाता है। ए का बी, और ये बी का क्या हो? परुष्णी रावी नदी है। ए का बी का सी, और ये सदा नीरा, सदा नीरा कौन सी नदी हो गई है? अब ये गंडक है, और ये सतुद्री सतलज ही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त हैं कितने सूत्र हैं? 1028 सूत्र हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख धर्म क्या था? तो इनका प्रमुख धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन था? ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा स्रोत है? ये सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है महाभारत, इसे सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो